देते थे, पहले जाके खाना खाओ, दिल लगा के आरसीएम करो, अभी कष्ट हो रहा है ना, कोई बात नहीं, गरीबी की मैल छूट रही है, ऊपर वाला जब तक मैल नहीं छुड़ाएगा ना, अमीरी नहीं आने देगा। और आप लोगों को भी बोल रहा हूँ मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि आज आपके जिस लेवल में है और आपको काफी संघर्ष हो रहा है, काफी दिक्कतें हो रही है, बस एनएच खान साहब चलो 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 तैयारी करेंगे सर, बहुत शानदार सबकी प्लानिंग होती है। और पूरे हिंदुस्तान के चाहते नहीं, पूरे वर्ल्ड के चाहते मिस्टर सुरेंद्र जी बत्स साहब हमारे डायमंड, आज ये हम मेंटर इन लोगों के कारण से आज ये पंकज मिश्रा इस लेवल पे है। पंकज मिश्रा में कोई बदूद नहीं था, ये सिस्टम में मौजूद है, ये सिस्टम है, अपलाइन आपके सिस्टम है। यदि कहा जाता है कि हवाई जहाज कितना भी मजबूत क्यों नहीं, उसके पायलट में कितना भी बहुत बड़ी दिमाग क्यों नहीं हो, लेकिन वो हवाई जहाज को जब धरती से उड़ा के जब 8000 फीट ऊपर लेके जाता है और वहां पे एक रडार होती है, एक सिस्टम होती है, यदि उस रडार से बाहर हवाई जहाज चली गई, दुनिया में उसको एक्सीडेंट होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक पायलट सो भी जाएगा लेकिन रडार के अंदर में रहेगा तो हवाई जहाज एक्सीडेंट नहीं होगा। जो भी डाउनलाइन, जो भी आप सुन रहे हैं, यदि आप अपने अपलाइन के साथ में, यदि आपका ट्विनिंग सही नहीं है, यदि अपलाइन के साथ मिलके आप काम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी हैं, बहुत जल्दी आप जीरो होने वाले हैं। लेकिन आज आपका जीरो बिजनेस है, लेकिन मैं जैसे अपने आइडियल, अपने गुरु का मैं फोटो लगा के रखता हूँ, मैं अपने सिर्फ ट्विटर पे आप देख रहे हैं पंकज मिश्रा के दिल में इनका फोटो रहता है। मैं भगवान को नहीं जानता, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में जाने से भगवान नहीं मिलते हैं साहब। भगवान तो इंसान के अंदर में छुपा होता है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। और आपके जो अपलाइन है, मेरे जो अपलाइन है, मैं इनको भगवान से कम दर्जा नहीं देता। यही मेरे भगवान है, यही ईश्वर है, यही हमें रास्ता दिखा रहे हैं, यही हमें हमारे जो है सो अंदर की ताकत को जागृत कर रहे हैं, यही मेरी क्षमता को जागृत कर रहे हैं। तो यही भगवान है, यही हमारे लिए अल्लाह है, यही मेरे गुरु है। आप भी यदि हमारे जगह पे आना चाहते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आप अपने 4-5 मेंटर का फोटो बनाइए, अपने डायरी में रखिए, अपने घर में रखिए, दिखाने के लिए नहीं, दिल में भी उनको रखिए। वो यदि बोलते हैं दिन तो दिन, रात तो रात। और हमारे संजीव सर बहुत अच्छा चीज बोलते हैं, इस बिजनेस में खाता ना बाही, अपलाइन जो बोले वही सही। मैं तो फैन हो गया। चलिए सारे लोगों को बातचीत करना है। Who are you? आप कौन है? मेरे साथ कोई एक आदमी जवाब देंगे सर? इंसान। Who are you? आप सब, हम सब कौन है? इंसान, इंसान। इंसान है, लेकिन इंसान, ये बात तो बहुत जल्दी तरीके से आप समझ लेंगे इंसान है, लेकिन इंसान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? We are human। हम सब इंसान है। इंसान के परिचय क्या है? इंसान के बारे में थोड़ी सी हम समझेंगे, इंसान के बारे में थोड़ी सी समझेंगे हम। इंसान कौन है? इंसान के अंदर में क्या है? इंसान भगवान का बच्चा है। हम जितने भी लोग हैं इंसान, हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान के बच्चे हम लोग ऊपर से इस धरती के लोग, धरती लोक पे 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल की यात्रा करने के लिए हम आए हैं। और जब ऊपर वाले ने हमें धरती पर इंसान बना के भेजा, तो सफदरजंग जी की बहुत अच्छा एक मीटिंग में स्लाइड में बताते हैं कि जब ऊपर वाले ने हमें धरती पर भेजते हैं तो हमारे अंदर में 2 प्रकार के स्विच देते हैं। एक स्विच होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। ऊपर वाला निगेटिव स्विच को ऑन करके भेजते हैं, इसीलिए बच्चा जैसे पैदा लेता है कोई हा करके मुस्कुरा के नहीं आता है, रोते हुए आता है। स्विच को ही ऑन कर दिया गया है निगेटिव, और ऊपर वाला बोलता है बेटा धरती लोक पे जाओ, तेरे में दम है, तेरे में जितनी ताकत है, तुमको मेरे ऊपर भरोसा है, तुम कुछ कर। और अपनी निगेटिव स्विच को ऑफ करके
जिस दिन आप पॉजिटिव स्विच ऑन कर लेंगे आप इतिहास बना सकते हैं। यही इंसान के अंदर में ताकत है। आप अपनी निगेटिव स्विच को ऑफ करिए, पॉजिटिव स्विच को ऑन करिए, हर चीज में आपको अच्छी अच्छी चीज दिखाई देने लगेगी। देखिए इंसान पॉजिटिविटी का क्या है, इंसान क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ है, ये पहाड़ जैसे कठोर हम इंसान नहीं है, पहाड़ जैसे ताकतवर हम नहीं है, लेकिन हम भगवान के बच्चे हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। भगवान ने इस पहाड़ को क्यों बनाया, लेकिन इस पहाड़ का काम इंसान नहीं किया है, दशरथ मांझी जी ने किया है। पहाड़ जैसे चीज को तोड़ दिया, संदीप जी ने बहुत अच्छा वीडियो दिखाया है। इस वीडियो को यदि आप आनंद के लिए देखे तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको रोंगटा खड़ी हो गई होगी तो सर आप अपनी ताकत को समझ सकते हैं कि दशरथ मांझी भी इंसान थे, मैं भी इंसान हूँ। यदि दशरथ मांझी इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो मैं भी इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। हम इंसान इस पहाड़ के चोटी पे चढ़ सकते हैं, इस हम ही जैसे इंसान इस पहाड़ के चोटी पे बस लेके चला जाता है कि इंसान है, हम इंसान के बच्चे हैं। देखिए ये चीता है, हम चीता के तरह तो दौड़ नहीं सकते, हम चीता के तरह भाग तो नहीं सकते, लेकिन हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, हमारे ही जैसे इंसान। चीता से तेज भागने वाली बुलेट ट्रेन का आविष्कार किया है, ये किसने किया है साहब, इंसान ने किया है। और आप कौन बैठे हुए हैं, हमें कौन सुन रहा है, कोई गधा सुन रहा है क्या, कोई उल्लू सुन रहा है क्या, हम इंसान सुन रहे हैं। यदि ये एक इंसान चीता से ज्यादा भागने वाली बुलेट ट्रेन का विस्तार कर सकता है सर, तो आप भी आरसीएम बिजनेस के माध्यम से अपनी दलिद्रता को बढ़ा सकते, अपने समाज को अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये गोल क्या है, ईगल। आज ये ईगल भगवान ने ही बनाए हैं, आज ईगल पक्षी में राजा है, उड़ने में 350 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ान उड़ती है। हम इंसान के अंदर में वो ताकत नहीं है कि हम उड़ सकते हैं हवा में, लेकिन ऊपर वाले ने हमें वो ताकत दिया है कि इस ईगल से भी फास्ट दौड़ने वाले जेट विमान का निर्माण किया है। हम इंसान ने ही किया है सर, हमारे ही पूर्वज के लोग किए हैं। और ये ईगल 350 किलोमीटर उड़ती थी, यहाँ पर इंसान ने बनाया है 23,000 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ने वाला, हम इंसान ने बनाया है। आप एक बार बोलिए कि हम इंसान हैं, आप जहां बैठे हैं बोलिए इंसान है, इंसान इंसान ने ही ये काम किया है सर, भगवान से भी बड़े काम किए हैं क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। आज मैं ये स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, मुझे बनाने नहीं आता, लेकिन मेरे बगल में मेरा बच्चा बैठा हुआ है, मेरा बेटा बैठा हुआ है, हर बाप से ज्यादा ताकत ज्यादा दिमाग उसके बच्चे के पास होता है। ईश्वर ने बनाए थे ईगल को और ईश्वर के बच्चा ने बनाया है जेट विमान। आज एक स्लाइड हम और आगे बढ़ते हैं, प्लीज सर चैट नहीं करिए सर, डिस्टर्ब हो रहा है, लेट हो रहा है। ये देखिए ये टाइगर है, ये शेर है। हम इंसान के पास में इस शेर की तरह ताकत नहीं है, हम इंसान को यदि एक पंजा मार दे ये शेर, हम उठ नहीं सकते, हम पानी नहीं पी सकते, कितनी ताकत नहीं हमें दिया है ऊपर वाले ने, लेकिन हम ऊपर वाले के बच्चे हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमने ही इंसान ने ही इस टाइगर को, इसको शेर को 10 फीट दूरी से, 1 किलोमीटर दूरी से, 50 किलोमीटर दूरी से मारने का मशीन बनाया है। किसने बनाया है सर, इंसान ने बनाया है। इंसान के अंदर में बहुत ताकत दिया हुआ है, ऊपर वाला इतना ताकत आपके पास में दिया है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए एक फोटो है यहाँ पे, विल्मा रूडल्स, इसकी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। आरसीएम बिजनेस इसकी क्या लेना देना है, आरसीएम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंसान का फोटो दिखा रहा हूं। ये वो लेडी है, ये लेडी
1960 के दशक में पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक नहीं तीन तीन फास्ट रनिंग का अवार्ड जीती है। ये अवार्ड कोई भी ले सकता है, जो इस दौर करेगा कोई ना कोई देगा, लेकिन इसमें विल्मा रूडल्फ का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैं जब किताब पढ़ा तो मेरी रुंगटी खड़ी हो गई सर, कांप गया मैं अंदर से। ये विल्मा रूडल्फ की कहानी इस प्रकार की है, ये 8 साल की उम्र में इस लड़की को पोलियो लग गया था, इसके पांव में ब्रेस लगा हुआ था, डॉक्टर ने इसको उसके मम्मी को बोला कि ये बच्ची ये ब्रेस खोल के चल नहीं सकती है, और जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में दौड़ का प्रतियोगिता होता रहता था और ये लड़की बैठ के देखती रहती। एक दिन इसके मन में विचार आया, काश मैं भी दौड़ता, और ये लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई, अपनी मम्मी से बोली, मम्मी क्या मैं दौड़ नहीं सकती, मम्मी मुझे भी दौड़ने की इच्छा होती है, मम्मी मुझे भी चाहत होती है, जैसे हम गरीब हैं आपकी भी चाहत है अमीर बनने का, आप चाहते हैं कि मैं पंकज मिश्रा बनूं, मैं संजीव चौधरी बनूं, मैं एनपी शर्मा बनूं, मैं सफदकर जैसे बनूं, मैं थैया जैसे बनूं, आपकी भी चाहत है। उसी प्रकार से इस लड़की की भी चाहत थी कि मैं भी आप दौड़ना चाहती हूं। मम्मी से पूछी, मम्मी क्या मैं दौड़ नहीं सकती, मम्मी ने बोली, बेटा इंसान की अथक प्रयास, भगवान की दी हुई ताकत और इंसान की अथक प्रयास से जीवन का हर रंग बदल सकती है, मम्मी ने बताई। और दोस्त आपके भी अपलाइन एक मम्मी के समान है, यदि आपके अपलाइन बोलते हैं कि तुम्हारा इस महीना में रॉयल्टी होगा, तेरा सितंबर में टेक्निकल होगा, विश्वास करिए, हाँ परिश्रम आपको करना पड़ेगा, आप भगवान के बच्चे हैं, आप इंसान हैं, आप ताकत लगाइए, दिमाग मत लगाइए। और ये लड़की अथक प्रयास की, एक डॉक्टर ने बोल दिया था कि बिना ब्रश से तुम चल नहीं सकती, वही लड़की 1960 के दशक में दुनिया के सबसे फास्ट रनर में एक नहीं तीन तीन गोल्ड मेडल लिया मेरे भाई मेरे दोस्त। यदि ये इंसान कुछ कर सकती है, ये इंसान कुछ कर सकता है, तो हम जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं आज आरसीएम रूपी सिस्टम के माध्यम से, हम लोग भी इस बिजनेस से डायमंड बन सकते हैं, अपनी दलिद्रता को भगा के अमीरी ला सकते हैं। ये देखिए एक फोटो है, इब्राहिम लिंकन। आप आरसीएम बिजनेस करते हैं, अपने दुख से इतना परेशान है, इतना परेशान है कि अपलाइन कुछ भी बोलता है हम परेशान है। मैंने सुबह सुबह एक डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया, सर आप तो इस लेवल पे हो, आपका 2 महीना से मैं बिजनेस देख रहा हूँ सर, बड़ा कम आ रहा है, क्या बात है। उसने रोना शुरू कर दिया, सर मेरे बच्चे बीमार हैं, सर मेरे बाबू जी बीमार हैं, सर मैं ये इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखने से क्या मतलब है, दुनिया का सबसे ताकतवर डॉलर है और डॉलर पर इनकी फोटो लगी हुई है, डॉलर पे इनकी तस्वीर छपी हुई है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति है साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनके बाद कई राष्ट्रपति आए, इनसे पहले कई राष्ट्रपति रहे, लेकिन डॉलर पे इन्हीं का तस्वीर क्यों है मेरे भाई, क्योंकि इनकी आप गूगल पे जीवनी बनिए आप, रंगटा खड़ा हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। 8-9 साल की उम्र में इनको माँ छोड़ के चली गई, 12-13 साल की उम्र में इनके पिताजी छोड़ के चले गए, 21 साल में एक लड़की से प्रेम होता है वो लड़की भी इनको छोड़ के चली जाती है, अपने पेट पालने के लिए जूता पे पॉलिश किए, अपने पेट पालने के लिए हल चलाए, अपने पेट पालने के लिए होटल में बर्तन मांजने का काम, शादी हुई बच्चा हुआ, कुछ दिन के बाद बच्चा छोड़ के चला गया, कुछ दिनों के बाद वो बीवी छोड़ के चली गई, फिर इन्होंने फैसला किया कि मैं राजनीति दुनिया में जाऊंगा, राजनीति दुनिया में आए, 15 इलेक्शन फाइट किए, 15 इलेक्शन हार गए,
और लगभग 72 ईयर के जेल में जाकर के इनको पहली बार जीव स्वाद दिलाई और 72-73 साल की उम्र में ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने और सबसे सफल राष्ट्रपति भी इनका नाम आता है। कितने सारे संघर्ष है मेरे भाई मेरे दोस्त, और जब ये पहली बार जब जीत की स्वाद इनको मिली, जब राष्ट्रपति के कुर्सी पर ये आए, पूरे अमेरिके के बड़े बड़े पत्रकार इनके सामने में आकर इनसे सवाल पूछते हैं, सर आपको यहाँ तक आने में डर नहीं लगा? आपकी 8 साल की से कहानी जो हम लोगों को पता है, उस कहानी को सुन के डर लगता है, आपको डर नहीं लगा यहाँ तक आने? इन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, और ये जवाब जो है बहुत अच्छा से सुनिएगा और लिख सकते हैं तो लिखिएगा, प्रवचन नहीं दे रहा हूं, दिल तक बात को जाने दीजिएगा। इनका जवाब था, ये 8 साल की उम्र तक 72 साल तक जो हमने हारा है, इसे डर इसलिए नहीं लगा कि हार मेरी रास्ता थी, जीत मेरी मंजिल। फोकस आपका क्या होता है, क्या फोकस है आपका? यदि आपका फोकस जीत के तरफ है तो समस्या आपका बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन यदि आपको हारने का आपके अंदर में डर है तो आप कभी जीत नहीं सकते। इब्राहिम लिंकन जिसे आप अपने आकार से कुछ साथी हमारे बीच में, सॉरी ये देखिए आप संदीप जी, ये क्या है सर? 2000 का नोट है सर, गांधी जी का नोट 2000 का है सर, ये नोट मिलेगा तो लेंगे कि नहीं लेंगे सर? हम दौड़ के लेंगे सर। कितने लोग लेंगे एक बार हाथ खड़ा करके बताइए तो, कितने लोगों को मिले तो ले सकते हैं ये नोट? एक बार हाथ खड़ा करिए सर, कितने लोगों को मिले तो ले सकते हैं, एक बार हाथ खड़ा करिए जी। कुछ लोगों का हाथ खड़ा नहीं हो रहा है, क्या लगता है टाटा बिरला खानदान के आप हैं क्या? ले सकते हैं आप, लेकिन इसी नोट को मैं हाथ से क्रश कर देता हूँ, ममोर देता हूँ, मचोर देता हूँ, और नोट की स्थिति ऐसी हो जाती है तो भगत जी तब भी लेंगे क्या? यस सर। अनुज जी ले पे ये नोट रखा हुआ है, क्या लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे। अभी भी लेंगे? यस सर। अभी भी लेंगे, क्यों लेंगे सर? आप जितने भी मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बहन मेरी बात को सुन रहे हैं, यहाँ तो सर आप डरने नहीं दिया, जिसका नतीजा है कि किसी भी परिस्थिति में इसको हम लेने के लिए आत्मबल है। हम इंसान जैसे कदम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी ऊपर वाला ने एक समस्या दे दिया, अपनी वैल्यू को हम गिरा लेते हैं, अपनी वैल्यू को हम आग नहीं पाते हैं। और आज इसी तरीके से कुछ मेरे भाई मेरे दोस्त करिए सर, जो भी आपको चेंज करना है, गाली देना है, जो भी करना है आप ये करिए। देखिए कुछ साथी की तस्वीर है सर, इन्होंने अपनी वैल्यू को नहीं गिराया, जब से आरसी बिजनेस में आया खूब समस्या मिला इनको, लेकिन इन्होंने कभी डगमगाया नहीं, इब्राहिम लिंकन की तरह डटे रहे, ये डॉक्टर दिनेश भारती जी डटे रहे, मिथिलेश जी डटे रहे, ये सफदर हुसैन जी 20 लाख रुपए के माथे पे कर्ज था सर, खाने के लाले पड़ते थे, लेकिन इब्राहिम लिंकन की तरह डटे रहे बाजार में, आज महीने की 2-2 लाख रुपए के इंसान है ये, आज आरसीएम बिजनेस से करोड़ों ले चुके हैं। आज कुछ चेहरा में दिखा रहा हूँ, मिस्टर दिलीप कुमार पान बेचने वाला आदमी, डटे रहे इब्राहिम लिंकन के तरह, 2000 के नोट के तरह अपनी वैल्यू को नहीं गिरने दिए, आज इस बिजनेस के लाखों के इंसान है सर। आज ये अमना खातून सिमडेगा से, एक मुस्लिम समुदाय जहाँ से नाखून भी देख औरत का लोग देख लेता तो गुनाह माना जाता है, लेकिन इन्होंने अपने समाज के लिए एक रोल मॉडल बन की खड़ी हुई। ये अमना खातून जी अपने आप को वैल्यू को नहीं गिरने दिया, जिसका कारण है आज ये इस सिस्टम के हीरो हीरोइन है। मिस्टर गौरव, मिस्टर मिसेज गौरव जी, एक स्टूडेंट
अपनी वैल्यू को नहीं गिरने दिया। नाजीर नूर किशनगंज से वैल्यू को गिरने नहीं दिया। आज एनपी शर्मा जी बोकारो स्टील से कभी भी अपनी वैल्यू को गिरने नहीं दिया। आज संजीव चौधरी जी अररिया सीमांचल के हीरो, इन्होंने अपने वैल्यू को कभी गिरने नहीं दिया। क्या दर्द इन पर नहीं हुआ? मुझे याद है सर, छाती में पानी हो गया था इनका। मुझे याद है जब ये 70,000 की बिजनेस कर रहे थे, इनकी मैरिज डे थी और मेरी एक मीटिंग थी शायद वेस्ट बंगाल में। इनकी मैरिज डे थी, घर में सत्यनारायण भगवान पूजा की पूरी व्यवस्था थी और किसी कारण से मैं उस मीटिंग में लेट हो रहा था, मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। और मैंने उस वक्त में संजीव सर को फोन किया कि सर कल की मीटिंग आपको लेनी है। इन्होंने हल्के स्वर में बोला कि सर कल मेरी मैरिज डे है, सत्यनारायण भगवान का पूजा है मेरे घर में, सारे गेस्ट इनवाइटेड हैं, सर कैसे कर सकते हैं? बोले मैं कुछ नहीं, आपको देख लो कैसे करना है। और सर उस परिस्थिति में अपनी मैरिज डे को छोड़ के सत्यनारायण भगवान की पूजा में सारे निमंत्रण हकार दिया गया था, उस परिस्थिति को छोड़ के इन्होंने वेस्ट बंगाल जाके मीटिंग किया सर, तभी जाकर के आज इनकी नाम है। ये सब फैयाज आलम जी किशनगंज से, पूरे सीमांचल के हीरो गांधी, किसी भी परिस्थिति में हिले नहीं, अपलाइन की बात को कभी काटे नहीं। जब भी इनको बोला गया सर ये करना है, बस ये करना है। और ये साहिबगंज से श्रवण कुमार, ये बोकारो से वाहिद अंसारी थी, आज ये सारे के सारे इस सिस्टम के करोड़पति हैं। आज महीने के लाख डेढ़ लाख दो लाख रुपया महीना कमाते हैं, जिसका नतीजा है कि आज ये लोग अपनी जगह पे हीरो हैं। क्या मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग भी जितने भी पार्टिसिपेंट 400 से ज्यादा लोग हैं, क्या आप लोग भी आप इनके जैसा बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो इनके जैसा बनना चाहते हैं, हाथ खड़ा करके बताइए तो मैं आगे देखे चलूंगा। एक बार हाथ खड़ा करिए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। यदि आप पाने बेचना चाहते हैं, चप्पली दुकान में चप्पली बेचना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जैसे इब्राहिम लिंकन जी 75 साल के बाद उनकी फोटो लगी नोट पे, आपका भी फोटो लगना चाहिए। आप दादा बनेंगे, परदादा बनेंगे तब लगेगा, इतना जल्दी नहीं लगेगा। Recording in progress. तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, ये स्लाइड आप देखिए, अमीर बनने के लिए तीन काम करने पड़ते हैं। सर हाथ राइट मत करें सर, आप मुझे हाथ खड़ा कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं ना, यहाँ पर सारा स्लाइड रुक जाती है, पूरे स्लाइड रुक जाती है। और इतना टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे नहीं है जो आपको रोक देंगे जी। अमीर बनने के तीन सिद्धांत हैं सर। यदि आप चाहते हैं कि आप अमीर बने अपने जीवन काल में, तो अमीर बनने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा सर, खरीदना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और खरीदने में ग्राहक के हिसाब से मत खरीद, जब भी खरीदारी करें तो आप एक बिजनेसमैन के हिसाब से खरीदारी करें। दूसरा काम बेचना पड़ेगा सर, बेचने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आज सलमान खान यदि अमीर है तो बेच के, आज नरेंद्र मोदी यदि आज प्रधानमंत्री है तो बेच के, आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है तो बेच के, नीतीश कुमार है तो चक्र छाप को बेच के, यदि आप भी सफल होना चाहते हैं, आप भी कामयाब होना चाहते हैं, आप भी अपना नाम करना चाहते हैं, तो बेचने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए और आप अपने जैसे लोगों को ज्वाइन करा के। एक दूध बेचने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन सुधा अमीर है सर, क्योंकि दूध बेचने का वही नेटवर्क बना आया है। एक कार चलाने वाला ड्राइवर अमीर नहीं बन सकता है सर, लेकिन ओला ने अपने जैसे नेटवर्क बनाया है। ये अमीर बनने के तीन सिद्धांत है, खरीदना, बेचना और अपने साथ लोगों को जोड़ना। ये तीन काम जब आप समझ गए तो दुनिया का कोई आदमी आपको अमीर बनने नहीं रोक सकता। बस अपने ऊपर आपको भरोसा करना है कि हम इंसान है, हम भी कर सकते हैं। इस काम को करके लोग अमीर बने हैं। देखिए कौन कौन लोग अमीर बने हैं, इनका नाम जानते होंगे आप, केएफसी। आज इन्होंने सामान पहले खरीदा, उसके बाद इन्होंने
बेचा और बेचने के बाद अपने जैसे इन्होंने लोगों को जोड़ा, अपने जैसे लोगों को इन्होंने जोड़ा, फ्रेंचाइजी इन्होंने तैयार किया और इन्होंने फ्रेंचाइजी तैयार कर करके इन्होंने अमीर बना। बाटा अमीर है, जन्म जात अमीर नहीं है। बाटा का जीवनी समझ सुनिए आप। रोड पे जूता पे पॉलिश करते थे ये, छोटे मोटे चप्पल जूता बनाया करते थे, लेकिन आज बाटा दुनिया में व्यापार करता है। पहले खरीदा, फिर बाटा ने अपने जैसे लोगों को सामान बेचा और अपने जैसे लोगों को जोड़ा, अपने जैसे लोगों को जोड़ा, अपने जैसे लोगों को जोड़ा। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते होंगे हम तो मास्टर साहब है, हम तो वकील साहब है, हमसे जुड़ेगा क्या? अरे क्यों नहीं जुड़ेगा, आपके घर में बेटी है, बेटी को आप शादी करते हैं तो जुड़ा कि नहीं जुड़ा? बेटी को शादी करने में जो दुल्हा को ढूंढने में जितना मेहनत होता है उससे ज्यादा मेहनत थोड़े यहाँ होता है। आपको वहां पर विश्वास काम करता है। बाटा को विश्वास था कि लोग जुड़ेगा। पतंजलि ने पहले खरीदा, फिर पतंजलि ने बेचना शुरू किया। बेचने के लिए जगह जगह पर बाबा रामदेव जी ने मीटिंग किया, लोगों को पहले सांस लेने के तरीका सिखाया, फिर लोगों को समझाया कि यदि तुम्हें हिंदुस्तान को गरीब अमीर बनाना है तो स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को भगाओ। और ये नारा दे करके इन्होंने एक अपने कंपनी के साथ लोगों को जोड़ा। हिंदुस्तान में बहुत सारे इनकी फ्रेंचाइजीज है, हर फ्रेंचाइजी से इनकी प्रोडक्ट बिक रही है, जिसके कारण से बाबा रामदेव जी अमीर है। इंडियन वाइल पहले सामान कच्चा माल खरीदा, फिर इन्होंने कस्टमर को दिया, फिर पैसा कमाया, फिर अपनी फ्रेंचाइजी को बढ़ाया, अपने नेटवर्क को बढ़ाया। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ाता गया ये लोग अमीर है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो फोटो आप देख रहे हैं, मैं यदि हिंदुस्तान पे डालूं तो पूरे दिन लग जाएंगे इसको बनाने में, आप बताने में? लेकिन मैंने 3-4 लोगों के बारे में बात बने थे, इनको ये पता चल गया कि हम इंसान हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। यदि भगवान के बच्चे हम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अथाक परिश्रम किए हैं ये, खूब मेहनत, जितोड़ मेहनत के, आसानी से नहीं मिली है मेरे भाई। यदि ये अथाक मेहनत करके यहाँ तक जा सकते हैं, तो आप भी यदि जाना चाहते हैं तो आपको भी वहां तक जाने के लिए अपने पास एक रास्ता है, एक सीढ़ी है। आप यदि अमीर बनना चाहते हैं, डिसीजन लीजिए। यदि आपको लगता है कि आप इंसान है, लगता है कहीं से शंका है तो मैं आपको शंका मिटा देता हूँ। यदि आपके पास दो को पांव है, दो को हाथ है, एक को माथा है, एक को नाक है, मुंह है, दांत है, कान है, वीडियो रुक गया। आपका दोस्त, आपका भाई इस बात जानना चाहता है कि आप इंसान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए जितने भी दुनिया के लोग आगे बढ़े हैं, जो काम वो किए हैं, वो काम पतंजलि ने करोड़ों लगाया, केएफसी ने करोड़ों लगा के स्टार्ट किया, बाटा ने करोड़ों लगा के स्टार्ट किया। आप करोड़ों लगा के स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जमाना अलग था, आज का जमाना दूसरा है। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये टेक्नोलॉजी मैजिक सेंटर, इसका नाम मैजिक सेंटर है, कंपनी ने इसका नाम दिया डिस्प्ले वॉल, लेकिन ये इसके ऊपर हम 5 साल से काम कर रहे हैं। मैं इसका नाम दिया था मैजिक कॉर्नर, ये डिस्प्ले वॉल। आज आप पिकअप सेंटर से जाकर के अमीर लोग जो पहला सिद्धांत मैंने बताया, खरीदारी इसको करिए, कम से कम 10,000-15,000-20,000 रुपए के ये प्रोडक्ट लीजिए। जब भी खरीदारी करिए तो ग्राहक की मेंटालिटी से मत करिए। हम बहुत लोगों के मुंह से सुने हैं, जब भी हम खरीदारी करते हैं ये बोलते हैं, अच्छा नहीं बिका तो खा लेंगे। अच्छा पहले ही निगेटिव बात कर रहे हो आप, नहीं कैसे बिकेगा, क्यों नहीं बिकेगा? अरे बाजार में शराब गुटखा बीड़ी बिक रही है, शराब में जहर बिक रहा है, वो बिक रहा तो फिर आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकेगा? अरे कोई नहीं लेगा, आपकी पत्नी तो लेगी ना, आपके बच्चे तो लेंगे ना, आपके मम्मी पापा बहन भाई तो ले सकता है ना। ये दुकान ही जो है ना, ये दुनिया के लिए दुकान नहीं है। 10-12 हजार के, 15 हजार के प्रोडक्ट के लिए आपको अपने घर में इस दुकान को लगाना है, और अपने घर में 5 आदमी जो है, उस 5 आदमी को इस दुकान से जोड़ना है।
आपको खुद इस दुकान का पहले आपको ग्राहक बनना है, और जैसे ये दुकान खोलते हैं आप, दुकान जो खोलते हैं, जो मैंने आपको तस्वीर पहले दिखाया था 12-14 लोगों को, ये सारे के सारे लोग यही काम करके आगे आए हैं। पहले ये काम करेंगे तब होता है। हम आम आदमी क्या समझते हैं, पहले तो मेरे बाल बच्चे हो जाए उसके बाद में शादी करूँ, पहले तो रॉयल्टी हो जाए उसके बाद इस्तेमाल करूँ, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपका काम है पहले आप डिस्प्ले वाल खोलिए, आज डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए, डिस्प्ले वाल अपने घर में आप खोलिए। डिस्प्ले वाल खोलने के बाद अपने घर में 4-5 लोग हैं उनको ग्राहक बनाइए, और जैसे पतंजलि ने किया है, जैसे KFC ने किया है, जैसे बाटा ने किया है, उसी प्रकार के अपने साथ अपने लोगों के घर में उसी प्रकार से फ्रेंचाइजी स्टार्ट कराइए, उसके भी घर में फ्रेंचाइजी स्टार्ट कराइए। आज जितने लोगों को मैंने फोटो दिखाया, आज मिस्टर फैयाज आलम, मिस्टर नाजीर नूर, मिस्टर संजीव चौधरी, मिस्टर मनोज कुमार, डॉक्टर भारती, अमना जी, ये सारे के सारे लोग किसी प्रकार से अपने घर में अपने परिवार को पहले ग्राहक बनाया, पहले पिकअप सेंटर से 10-15 हजार का सामान खरीद के लाया, पहले अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने दोस्त को उस दुकान का ग्राहक बनाया, उनके हाथ से सामान बेचना शुरू किया, और इस प्रकार की दुकान का इन्होंने फ्रेंचाइजी लगाना शुरू किया, और इस प्रकार से फ्रेंचाइजी लगा लगा के उनके पास जो संजीव सर ने आपको जो बताए थे, गरीब भी काम वर्क करते हैं लेकिन अमीर वर्क तो करते हैं, लेकिन वर्क के पीछे में नेट लग जाती है, नेटवर्क करते हैं। इन लोगों ने इस प्रकार से एक नेटवर्क बनाया है जिसका नतीजा है जब आपका नेटवर्क बनता है तो आपके पास टाइम का फ्रीडम होता है, जब टाइम आपके जीवन में आता है तो पैसा झक मार के आता है। यदि आपके पास समय नहीं है तो पैसा कभी नहीं आएगा, जिस दिन आपके पास समय हो जाएगा तो पैसा आपके आप पैसा के लिए भाग रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी नासमझी कर रहे हैं आप, क्योंकि पैसा के लिए जहाँ पे भाग रहे हैं ना उसी पैसा के लिए आपके पिताजी भागे, वही पैसा के लिए दादाजी भागे थे, यदि दादाजी को पैसा नहीं मिला, बापू जी को पैसा नहीं मिला, आप भी उसी पैसा के लिए भागेंगे, कोई गारंटी नहीं है आपके पास आएगी। मैं आपको कहता हूँ पैसा के लिए मत भागो मेरे भाई, टाइम पैदा करने के लिए भागिए। जिस दिन आपके जीवन में हजारों घंटा हो जाएगा, जिस दिन आपके जीवन में लाखों घंटा हो जाएगा, जिस दिन आपके जीवन में करोड़ों घंटा हो जाएगा, पैसा लेना नहीं चाहेंगे, पैसा आपके पीछे दौड़ेंगे, और ये पैसा को पीछे दौड़ाने का यही एक काम होता है, पहले खरीदे, दूसरा बेचे, और तीसरा अपने जैसे नेटवर्क बनाए, और इस जैसे करते हैं आप उस दुकान का अपना ग्राहक बने। पहले डायमंड क्लब करें, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का पहले सामान हम खरीदते और उस सामान को हम अपने आसपास बेचते हैं। जैसे डायमंड में आते हैं, चार बच्चे नंबर जो लिखा हुआ है डायमंड, डायमंड का मतलब होता है हीरा, और बिजनेस का शानदार ड्रीम बिजनेस, सोने भी देता हूँ, रात दिन बाथरूम में भी जाता हूँ तो डायमंड ही दिखाई देता है, बेडरूम में रहता हूँ तो डायमंड दिखाई देता है, आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मुझे डायमंड दिखाई देता है, क्योंकि डायमंड पे आने का मतलब होता है महीने की 25 लाख रुपए से ज्यादा की, डायमंड का मतलब होता है पूरे हिंदुस्तान का प्यार, लाखों लोगों का आशीर्वाद, ये डायमंड जो है तो ये आपको मिलती है, और डायमंड क्लब में आने के बाद आप यदि आप ये तरह अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, पहले तो अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, वैल्यू को बढ़ाने के लिए इस महीने में सारे टेक्निकल अचीवर में मिलके हम लोगों ने घोषणा किया है कि एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो भी साथी इस महीना में आज डिस्प्ले वाल करके अपने नाम पे आप डायमंड क्लब करते हैं, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, दूसरा जो इस महीना में डायमंड क्लब किए हैं, जैसे डायमंड क्लब करते आ रहे हैं, 1 तारीख को, महीना के 1 तारीख को यदि आप डायमंड क्लब करते हैं, और तीसरा यदि उज्जवल में आप क्वालिफाई कर गए हैं, उन सारे साथी को लेकर के डिजिटली पूरी दुनिया में जो चैनल चलती है यूट्यूब चैनल, उस चैनल पे आपका सेलिब्रेशन होगा। दोस्त एक बार कल्पना करके आपके आपके मोहल्ले में कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे आपने अमीर का सिद्धांत को आपने पकड़ लिया, पहले आपने अपने घर में खरीदारी किया और बेचने के लिए अपने नाम पे आपने बिलिंग कर लिया, डायमंड क्लब स्टार्ट कर लिया, तो आपका डिजिटली सेलिब्रेशन होगा, आने वाला 50 साल के बाद, आने वाला 40 साल के बाद, जब आप दादा बन जाएंगे, जब आप दादी बन जाएंगे,
आपके करोड़ों के इनकम आएगी, जन्म लेकर के हवाई जहाज से उड़ेगा, उस समय आप YouTube से उसको वीडियो को डाउनलोड करके अपने पोता को दिखाएंगे, देख पोता आरसीएफ बिजनेस को मैंने इस तरीके से शुरुआत किया था और पहली बार मुझे डिजिटल सेलिब्रेशन करने का मौका मिला, जो सेलिब्रेशन लाखों लोगों ने मुझे दुआ दिया, लाखों लोगों ने मुझे आप अपनी समझ सकते हैं। जिस दिन आप अपनी कीमत को समझ गए, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे रहने से नहीं रोक सकता, आप आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, मात्र आपके पास समय है, आज और कल है। और हमारी दादी कहती थी, जो काम कल करो सो आज करो, जो आज करो सो अधिक करो, तभी सफल हो जाओगे। कल के ऊपर मत डालना मेरे भाई मेरे दोस्त। जो भी आदमी चाहते हैं कि मेरे घर से गरीब भी लोगों को लगता है कि मैं इंसान हूं, मैं भी कर सकता हूं, यदि इब्राहिम लिंकन इतना बड़ा कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, तो आपको अपने रॉयल्टी अचीवर के साथ में बातचीत करके आप जल्दी से जिसके साथ आप बैठे हैं मीटिंग में, जिन्होंने आपको ये लिंक दिया उनसे पूछिए कि हमारा रॉयल्टी अचीवर कौन है, उस रॉयल्टी अचीवर को फोन करिए और फोन करने के बाद बोलिए, सर आज मैंने मीटिंग देखा, मैंने डिसीजन लिया, मैं इस सिद्धांत को मानकर चलूंगा, क्या आप मेरे को साथ देने के लिए तैयार हैं? यदि वो बोलते हैं यस मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूँ, आप जल्दी से जल्दी अपने घर में डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन करिए, कंपनी का एजेंसी ले लीजिए, जल्दी से जल्दी डायमंड डॉक्टर उज्जवल पाटिल, आज ये पंचायत मिश्रा एक बैंक में 12,000 रुपया कमाने वाला आदमी, यदि इस बिजनेस से 5,00,000 रुपया कमाता हूँ, इसमें इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। आज मैं यहाँ तक का सफर में 4 बार इनसे मैं ट्रेनिंग लिया हूँ। आज यदि टाटा नंबर 1 है तो इनकी ट्रेनिंग से, आज रिलायंस आगे बढ़ रही है तो इनकी ट्रेनिंग से, आज वर्ल्ड में इंडिया का क्रिकेट टीम आगे बढ़ रही है तो इनकी ट्रेनिंग से। कहा गया है ट्रेनिंग से एक आतंकवादी बनता है, ट्रेनिंग से एक आम आदमी पानी में गोताखोर बनता है, ट्रेनिंग से एक आम आदमी भीख मांगने वाला बनता है, तो ट्रेनिंग से भी एक आदमी आरसीएफ के अमीर आदमी बन सकता है। तो ये आपके पास मौका है, आज और कल ही आपके पास समय है, परसों कुछ भी करने का नहीं हो सकता, बस समय है आपके पास में। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर वाइटल है, अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हैं, 2025 तक करोड़पति बनना चाहते हैं, तो सर आपको इस टारगेट को करना चाहिए, क्योंकि लाखों रुपया के इनकम लेने के लिए लोगों को डॉक्टर बनना पड़ता है, वकील बनना पड़ता है, ओवरसीयर बनना पड़ता है, इंजीनियर बनना पड़ता है, चार्टर अकाउंटेंट बनने पड़ते हैं, और चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए एक एक किताब 25,000 में खरीद के पढ़ना पड़ता है, रात रात भर जगना पड़ता है, तब जाके लाखों के इंसान बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अप्रैल मई जून 3 महीना मिला के 15,000 बिजनेस बोलूँ, यदि न्यूट्री चार से आप कर लेते हैं तो आप इस टारगेट में क्वालिफाई करते हैं, और इस टारगेट में क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलता है एक घड़ी में क्या मिलता है, आपका समय जैसा हो रहा है अपनी दीवार पे लगा के देखेंगे कि आपका टाइम बदलने वाला है, आपका समय बदलने वाला है, ये आपको दिखाई देगा। और इस ट्रेनिंग को आपको जरूर अटेंड करना चाहिए, जो भी लोग अभी तक कर लिए हैं एंट्री वो तो अपना सुंदर सा फोटो अपने रॉयल्टी अचीवर को दीजिए, जो नहीं किए हैं आज करिए, अभी से अभी करिए, यदि यहाँ पे आप थोड़ा सा भी सोचने में गलती किए तो सर आप अपने जीवन में आप जाएंगे। ये आप देखिए, जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर है, डबल धमाल कल लास्ट हो रही है, यदि आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम फिफ्टी चार्ज से करते हैं, आप आज अपने घर में दीवार खोलते हैं, 5000 बिजनेस वॉल्यूम में 2500 बिजनेस वॉल्यूम का आप डबल धमाल स्टार्ट करते हैं, 6 महीना लगातार करेंगे, इस स्लाइड का फोटो ले लीजिए, 6 महीना लगातार आप करते हैं तो आपको 5000 रुपए की प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगी। यदि डायमंड क्लब आप न्यूट्री चार्ज से करते हैं, 6 महीना लगातार करेंगे, बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा, कमीशन भी हर महीना मिलेगा, ऊपर से 10,000 का सामान आपको फ्री मिलेगा, 5,000 का न्यूट्री चार्ज का, 5,000 का आरटीएम का। यदि आप न्यूट्री चार्ज से नहीं करके ओनली आप नमक तेल हल्दी मसाला कपड़ा उपड़ा लेके आप करते हैं 5,000 तो आपको 5-6 महीना के बाद 5,000 का प्रोडक्ट मिलेगा, और आपको 2500 में 2500। लेकिन आपको याद रहे
ये मौका सिर्फ आज और कल है, परसों से नहीं मिलेगी। और परसों से यदि कंपनी का कुछ आएगा तो बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि एक आम डिस्ट्रीब्यूटर इससे बेनिफिट नहीं करेगा। कुछ ना लगे। और लास्ट कर रहा हूँ, ये हमारे जो फोटो में आपको तस्वीर दिख रहा है, ये आप ही के तरह आम लोग थे, ये आप ही के तरह आम लोग थे, लेकिन आज इस बिजनेस के ये हमारे हीरो हैं। हर वक्त स्ट्रेंथ को एहसास दिलाइए कि आप एक महत्वपूर्ण इंसान है, और ईश्वर ने आपको किसी खास मकसद से इस दुनिया में भेजा है। और ये सारे साथी, ये वो साथी है जो हमारे करोड़पति के बनने के लाइन में खड़े हैं। ये 2021 में 2022 में ये सारे के सारे करोड़पति बन गए, और ये इसीलिए बने हैं कि अमीर बनने का तीन सिद्धांत को फॉलो किया है। पहले खरीदे हैं, फिर बेचे हैं, और फिर लोगों को अपने जैसे लोगों को जोड़े। ये ऐसे कुछ साथी हमारे बीच में है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पे नहीं। इन्हीं लोगों का कहना है, इन लोगों का कहना है, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पे करो, लोगों की बातों पे मत करो। लोग आपके परिवार नहीं चलाएंगे, बच्चे को कपड़ा नहीं देंगे, लोग आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं देंगे, लोग नहीं देंगे, लोग आप, लेकिन आपका फोकस आप से फोटो देख लीजिए। ये आने वाला 2025 के अंदर में कम से कम 5 करोड़ के मालिक रहेंगे। ये फोटो देखिए, तो इन लोगों का कहना है, विपरीत परिस्थिति के बाद जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, सफलता सिर्फ उसी को मिलती है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में यदि आप चलते रहे, डटे रहे, टिके रहे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने देती है। इन लोगों की संगत में रहिए। ये वही तीन काम किए हैं जिस तीन काम को मैंने आपको बात किया है। और आज एक गुड न्यूज है कि मेरी बेटी, मेरी अभी माँ, जनवरी फरवरी मार्च में जो भी दीदी, जो भी बहन, जो भी माँ है, ने 3 डब्बा लेके आज से बिजनेस को स्टार्ट किया था। मेरी बेटी, मेरी अभी माँ, उसकी लकी ड्रॉ कल हुई है। और सबसे गुड न्यूज ये है, इस लकी ड्रॉ में जो फर्स्ट प्राइज था, ये फर्स्ट प्राइज अपनी टीम में एनपी शर्मा जी के टीम में आया है। एक बार जोरदार क्लैपिंग से हम सब लोग उनको वेलकम करेंगे। मिस्टर मिसेस रीता कुमारी, इनकी रॉयल्टी अनोज गोयल है, और ये मैडम ज्वाइन करना नहीं चाहती थी, लेकिन ये अपडेट ने बताया, जो कल करो सो आज करो तेरे घर में आ सकता है। और इनको 1,51,000 रुपया का गोल्ड नेकलेस जो है इनको कल लकी ड्रॉ में आई है, अगला महीना में ये अवार्ड मिल जाएगा। और ये अवार्ड में जो जो लोग किए थे, इन सारे लोगों का, आपके सीनियर के ग्रुप में इन सारे लोगों का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लिखा हुआ है। आप अपने अपने टीम में एक बार चेक करिए इनका क्या मिला है, आप एक बार चेक करिए अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, कौन-कौन लोग इस टारगेट में आए थे, इनका क्या आया है। उससे कंपनी के तरफ से तो फोन जरूर आ जाएगा, लेकिन आप एक सीनियर होने के नाते आपको चेक करना चाहिए। सारे लोग हैं, 20 आदमी को 10 ग्राम का ये था अवार्ड का, और अभी आपके पास सिर्फ आज और कल मौका है। ये मैडम ने कहा जाता है ऊपर वाले को देने का, छप्पर बना दो, और ये छप्पर बनाने का आपके पास लास्ट आज और कल मौका है। जो भी नए साथी आज बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, इस महीने में ज्वाइन किए हैं, आपको आरजे बिजनेस को कुछ नहीं पता है, लेकिन 500 बिजनेस फॉलोइंग यदि इस महीना में आप न्यूट्री चार से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आज आपके बिजनेस को शुरू करते हैं, 1,000 बिजनेस फॉलोइंग आप न्यूट्री चार का प्रोडक्ट लेते हैं, कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो आपका एक है जिसमें 20 लोगों को जीरो का बाइक मिलेगी, 1 आदमी को कार मिलेगा। जो मैंने आपको पहले बताया डायमंड क्लब, डायमंड क्लब 5,000 बीबी से होता है, 500 बीबी पर एक कूपन मिलेगा, यानी इस लकी ड्रॉ में जाने के लिए आपके पास 10 कूपन मिलता है। और 10 कूपन यदि आपको मिलता है तो 10 कूपन का मतलब होता है कि आप इस लकी ड्रॉ में चांसेस आपके पास ज्यादा हो। यदि नहीं भी मिला कोई बात नहीं, 6 महीना लगातार हम खरीदते रहे, बेचते रहे, खरीदते रहे, बेचते रहे, 5,000 का प्रोडक्ट हमें हर महीना में मिलेगा। आस्ते आस्ते आपकी जो है सो अपनी वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ता जाएगा आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और आप लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा,
जितने वीडियो हमारे पास को सुने सबको दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ, और बातचीत करने के समय में कोई गलती निकल गई हो मुझे क्षमा चाहिए। और लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ, जीत और हार आपके खुद पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, हार लोगों की होगी। मेरी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को हम यही समापन करेंगे, और ये जो भी प्रेजेंटेशन आप देखे हैं मेरा कोई रोल नहीं है इसको बनाने वाला, ये मेरे मास्टर हम को तो चाहिए नहीं लेना है, यहाँ पे मेरे बगल में है। बहुत सुंदर है, आप दिल से इसको आशीर्वाद करें, ये इसी प्रकार से आप लोगों को सेवा देते रहे, और मैं एक नया चीज आपको दिखाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, बहुत ही आज प्रोग्राम हुआ, और सर आज के प्रोग्राम में तो सारा चीज आ गया है कि दो दिन में एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है, ये सारा चीज निकल के आ गया कि छोटू पर्चे सारा चीज सारा दिखा दिए। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में वो मेरी बेटी मेरा अभिमान का जो रीता जी को गया है सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी सर अपने ही टीम से में ये बहुत बड़ी बात हो गई सर, ये झारखंड में आ गया, ये झारखंड साधारण जगह नहीं रह गया सर, बहुत बड़ा हो गया। तो सर लास्ट वाला नंबर मैसेज दिलाइए अगर है तो। नहीं अभी वो नहीं है, और वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में नहीं है, बस मेरी बेटी मेरे अभिमान सर। इजाजत हो तो सर हम एक चीज दिखाना चाहते हैं स्क्रीन शेयर से, आपका इजाजत है ना, एक हम दिखाना चाहते हैं सर। तो हम दिखाने रहे सर, एक्चुअली हम लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं कि हम लोग जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, मेरे से नहीं हो सकता है, हम नंगड़ा हैं, हम चाहता नहीं है। काम करते हैं,